कटारिया जो भी भाई लंच में उनको बोलो टाइम से लंच बना लेगा। क्या बनाओगे वैसे आज? चावल और दाल। भाई रोटी भी बना देना। दोस्तों जैसे आपने देखा विशाल का और अनमान का पहले भी लफड़ा हो चुका है, तो दोस्तों इसी बात पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कभी जमती नहीं है और उसके बाद भाई मसले पे मसला स्टार्ट हो रहा है। अरमान मलिक चाहता है कि भैया विशाल उससे भिड़े ताकि वो गेम से बाहर निकल जाए। डिसाइड कर लेना रोटी कौन बनाएगा, बाद में ये ना बोले ये मुझसे नहीं बनती मुझसे ये वो। अरमान मलिक नए नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है ताकि विशाल उससे भिड़े, और उससे भिड़ने के बाद क्या होगा भैया, झगड़ा होगा और विशाल पांडे गेम के बाहर। ये गेम चलने के लिए भी एक अगर कोई छोड़ नहीं रहा है। अरमान मलिक इतना गिर जाएंगे मैंने कभी एक्चुअली सोचा नहीं था, और उसके बर्ताव को देखते हुए इतना बड़ा यूट्यूबर। घर वाले तो भाई गालियां भी खाते, हम खाएंगे क्या? अभी अरमान मलिक बोलता है घर के लोग गाली खाए तो मैं भी गाली खाऊं क्या? भैया तुमने ही सबको गाली दी है, तुमको किसने गाली दिया नहीं है। और तुमको बताऊं एक बात, ये खुद को अपने आप को बॉस समझता है। एक्चुअली मैं इसको अच्छा इंसान समझता था, लेकिन ये जब से गेम में आया हुआ है ये इतना गिर जाएगा मैंने कभी सोचा नहीं। मना किया रोटी बनाने से, फिर से बात कर रहा हूँ मैं, फालतू में उंगली कर रहा है ना। अरमान मलिक उंगली करेगा क्योंकि वो करना चाहता है, और वो अगर उंगली नहीं करेगा तो विशाल पांडे झगड़ा नहीं करेगा, और विशाल पांडे झगड़ा नहीं करेगा तो वो गेम के बाहर कैसे जाएगा। और अरमान मलिक चाहता है वो किसी भी तरीके से भैया अरमान से भिड़े और वो गेम के बाहर निकल जाए। ये भैया विशाल बहुत ही सातिर है, वो झगड़ना चाहता नहीं है, लेकिन अरमान मलिक नए नए हथकंडे यूज़ करके उससे झगड़ा करना चाहता है। अब दोस्तों गेम बहुत खतरनाक होने वाला है, लगे रहो मेरे साथ।